लेकिन हमारे साथ जुड़ गए हैं बाजार के एक और दिग्गज वेंचुरा सिक्योरिटीज के विनीत बोलिंचकर। विनीत जी बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आपके टीनो स्वदेश पर। सर शुरुआत उसी से करेंगे, आपने जो रिपोर्ट दी है वेंचुरा की, जो रिपोर्ट आई है रेलिगेयर को लेकर, इनिशिएट की है वाई रेटिंग के साथ, टारगेट दिया है 24 महीने में 471 रुपये का, तो क्या हम मान के चलें कि अब ये कन्विक्शन आ गया है, जो बुरा दौर था वो बीत गया है और यहाँ से तेजी के लिए तैयार रहना चाहिए, 237 रुपये के आसपास का भाव है, लेकिन इतने स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन की सर वजह क्या है, पहले तो ये बताइए आप। कि इसमें दो चीज है, 2014-15 में वो रैनबैक्सी ग्रुप के साथ तकलीफें चालू हुए, अभी क्या हुआ है मार्च में इनकी सेटलमेंट हो गई सारी विद द बैंक्स, तो इन्होंने वन टाइम सेटलमेंट कर दिए और अभी एक ही बैंक के साथ रिजोल्व करना बाकी है और इनकी जो बुक है ना काफी ड्रॉडाउन हो चुके हैं। इसके बावजूद इन्होंने जिस तरह से परफॉर्म किया ना, इनकी जो केयर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है इसको जिस तरह से इन्होंने ग्रो किया है, एंड ये अभी इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है, 5 साल से प्रॉफिटेबल है और अभी हमें लगता है कि ये दौर जो केयर का है वो चलता रहेगा, पॉजिटिव ही चलता रहेगा। और अगर आप केयर के ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम देखेंगे 4500 करोड़ के आसपास है, वो हमें लगता है कि आगे जाके 8000 करोड़ तक पहुंच जाएगा, एंड इसमें ना काफी अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है, इसके टोटल एक्सपेंस रेशियो सबसे कम है, इसके जो सॉल्वेंसी रेशियो है बहुत सही है और हमें लगता है कि इनकी मार्जिन्स कंसिस्टेंटली इंप्रूव होंगे। तो अगर ये बिजनेस अच्छी कर रही है और अगर आप देखोगे इनकी जो बाकी के जो तीन सब्सिडरीज है जैसे NBFC SME लेंडिंग के लिए, उसके भी इन 1000 करोड़ के नीचे इनकी बुक है अभी और इनकी कैपिटल एडिक्वेसी 50% के ऊपर है। अगर आप अफोर्डेबल हाउसिंग की बात करें तो वो भी 1000 करोड़ के नीचे है और इनकी कैपिटल एडिक्वेसी 100% के ऊपर है और ब्रोकिंग का रेवेन्यू बहुत कम हो चुका है। और इसके बावजूद हमें क्या लगता है कि कंपनी ने का जो बेस है अभी सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो चुके हैं, प्रमोटर ने नए पैसे डाले हैं, प्रमोटर यानी कंपनी ने प्लाउ बैक किए ना इंश्योरेंस कंपनी, प्राइवेट कैपिटल रेस किया है और बर्मन्स ने आके रेलिगेयर में स्टेक लिया है और उन्होंने ओपन ऑफर किए, तो ये जो 235 का भाव है हमें लगता है कि फ्लोर है, यहाँ से ज्यादा नीचे जाएगा नहीं शेयर और यहाँ से हमें लगता है कि आपकी जो टोटल इनकम है कंपनी की यहाँ से 4676 के आसपास की है जो आपको 8100 तक पहुंच जाएंगी इन द नेक्स्ट 3 ईयर्स, आपकी प्रॉफिट एबिटा डबल हो जाएगा और आपका नेट प्रॉफिट बहुत हेल्दी हो जाएगा, 565 क्रोर्स का हम एक्सपेक्ट करें 3 साल में और आपकी जो आरओई और बाकी के रिटर्न रेशियोज बहुत पॉजिटिवली बढ़ेंगे और आप देखेंगे कि ऑन सम ऑफ द पार्ट्स बेसिस आपको 14 टाइम ये कंपनी मिल रही है, तो हमें लगता है कि यहां से इसका वैल्यूएशन भी डबल होना चाहिए। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए हमें लगता है कि ये कंपनी बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म करेगी, हमारा कन्विक्शन बहुत हाई है और हमें लगता है कि ये दिस कंपनी डिजर्व्स टू गेट इट्स प्लेस इन द सन। वैल्यूएशन डबल हो जाएंगे, भाव भी आपने जो रिपोर्ट में दिया है वो बिल्कुल डबल है यहाँ से 470 का 2 सालों में। और जब हमारे साथ रश्मि सलूजा लगभग 6-8 महीने पहले जब जुड़ी थी तब उन्होंने ये सारे रीजंस बताए थे, डेट रिस्ट्रक्चरिंग की बात की थी, तब 200 के करीब ये स्टॉक था और अच्छी खासी वन साइड मूव हमने रेलिगेयर के स्टॉक में देखी है टीनाउ स्वदेश पे। विनीत लेकिन आप जो वैल्यूएशन की बात करें ना, अब कहीं ना कहीं कंपनी को भी लग रहा है कि उन्हें कम आंका गया है। इनफैक्ट एक मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से आज कंपनी ने एक इंडिपेंडेंट एजेंसी को हायर किया, ऐसी खबरें आ रही हैं और जिसमें वैल्यूएशन की बात की जा रही है, हालांकि ओपन ऑफर की बात आ चुकी है, स्टेक की बात आ चुकी है लेकिन अभी रेगुलेटरी अप्रूवल मिले नहीं थे। अगर वैल्यूएशन री रेटिंग का एक केस बनता है तो किसे फायदा मिलेगा, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को? नहीं, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को डेफिनेटली फायदा होगा क्योंकि बर्मन्स ने जो होल्डिंग कंपनी में स्टेक लिया है, राइट, रेलिगेयर एंटरप्राइजेज आपकी होल्डिंग कंपनी ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी, तो इंश्योरेंस कंपनी की आप देखोगे तो उधर शेयर होल्डिंग चेंज नहीं हुई है डायरेक्टली, बट आपको एक प्रोमोटर चेंज हो रहा है तो आपको रेगुलेटरी परमिशन लेनी पड़ेगी। बर्मन्स का आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड है,
और हमें लगता है वी डोंट सी एनी प्रॉब्लम के इनको परमिशन नहीं मिलेगी। और ये जो ओपन ऑफर हुआ है उसमें शेयर होल्डर को काफी फायदा भी है, अगर उन्होंने पहले शेयर लिए तो वो इधर दे सकते हैं, या अगर वो होल्ड करें तो उनको और बेहतर फायदा होगा, क्योंकि फिर बर्मन्स को अगर उनको रिक्वायर्ड क्वांटिटी नहीं मिलती है तो उनको आके मार्केट से परचेस करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विनीत ये समझाने के लिए हमें। और विनीत अपने उसी रिपोर्ट पर उसी टारगेट को फिर से एक बार रिट्रिएट कर रहे हैं, 471 का टारगेट अगले दो साल में, और कई सारे बड़े ट्रिगर्स, क्योंकि डेट रीस्ट्रक्चरिंग, वन टाइम पेमेंट, और चारों ही कंपनियों के लिए जो रोड मैप हमें यहाँ पे रश्मि सलूजा भी बात करके गई थी कि आगे के लिए रोड मैप भी बहुत स्ट्रॉन्ग दिखता है, उनके जो डिफरेंट वर्टिकल्स हैं, चाहे वो एसएमई लेंडिंग हो, ब्रोकिंग हो, इंश्योरेंस हो, और अफोर्डेबल हाउसिंग में तो अभी फिलहाल टेलविंस भी दिख रही हैं। तो विनीत, बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और ये सारी बातें हमारे व्यूवर्स को एक बार फिर से समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बढ़ते हैं आगे, एक बार फिर से बाजार का रुख करते हैं, और अच्छी तेजी, बड़ी तेजी आपको दिख रही है, आप 19,800 के ऊपर इनफैक्ट टिके भी हुए हैं, और क्या ये आप तेजी और बढ़ सकती है कोई, क्योंकि हम 19,600 और 19,800 के बीच कुछ एक रेंज की बात कर रहे थे, कल भी हमने देखा कि 19,700-750 इनकी कॉल्स में, अच्छी स्ट्राइक्स में अच्छी कॉल बाइंग भी देखने को मिली है, बेस आपका ऑलरेडी 600-650 पे बना हुआ है, क्या आप यहाँ से और फर्दर लेग अप दिख सकता है, निफ्टी पर क्या राय होगी इस वक्त? प्रियंका, आई थिंक सुबह का जो हमने ओपनिंग कमेंट दिया था उसमें शायद कुछ ऑडियो इश्यू था। आई थिंक देखिए, मंडे को जब मार्केट्स फॉल हुए थे तब मेरा पहला कमेंट यही था कि 19,500 अगर होल्ड करता है तो यहां से निफ्टी में एक नियर टर्म बॉटम देखने मिलेगा और हम एक रिबाउंड करेंगे। अब प्रिसाइसली वही होता हुआ नजर आया है। अब जो दूसरा पार्ट ऑफ द कमेंट था वाज दैट 19,800 के ऊपर अगर हम सस्टेन करते हैं देन फॉर मी 20,200 के जो न्यू हाइज हैं दैट विल बी इन साइट। I won't be surprised कि वो हमको अक्टूबर में ही या मे बी अर्ली नवंबर में देखने मिल जाए। तो 19,800 के ऊपर अगर निफ्टी होल्ड करता है तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि एक लॉन्ग पोजिशन बिल्कुल बननी चाहिए, बिकॉज जो रेंज का ब्रेकआउट है जिसकी आप थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे वो बिल्कुल सही है। उस 19,650-700 की रेंज का ब्रेकआउट देखने मिला है, 20-day मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो निफ्टी यहाँ से लॉन्ग करके चलना चाहिए। पोजिशनल लॉन्ग करें तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बेहतर रहेगा, प्रोफाइल प्रॉफिट प्रोफाइल जो है वो भी बेहतर रहेगा। तो यहाँ से मेरे लिए 20,200 के जो दो लेवल्स हैं ये इन प्ले आ रहे हैं, और जो अब मेरा स्टॉप लॉस है उसको मैं 19,650 के पास लेके चलूंगा फॉर अ पोजिशनल लॉन्ग ऑन निफ्टी। बढ़िया है, सुन के अच्छा लग रहा है कुश कि फिर से 20,000 की बातें होने लगी, अदरवाइज जब थोड़ा सा संकट बढ़ा था ना और ये युद्ध की शुरुआत हुई थी हमास और इसराइल के बीच में, 19,500 को नीचे गए तो थोड़ी सी ना चिंता की। एक और चीज़ हम देख रहे हैं कि अक्टूबर आने के बाद थोड़ी सी रौनक जिस स्पेस में आई है वो है कंजम्पशन वाला खेमा, यानी कि FMCG, वहाँ शेयर हम चलते हुए देख भी रहे हैं। HUL में अच्छी तेज़ी है, RTC में हमने थोड़ी थोड़ी सी तेज़ी देखी है, लेकिन अभी भी वो कहीं ना कहीं 450 रुपये के रेंज के आसपास ही ट्रेड कर रहा है।